Yummy? How's it? और जरा मैंने इसकी डो भी दिखानी है कि ये देखिए अंदर से इतनी ये बहुत ही अच्छा बनाई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, घर में पिज्जा बनाना बहुत आसान है, जस्ट एक चीज जो है वो हमें मुश्किल लगती है वो है डो बनाना। लास्ट वीडियो जिसमें मैंने डोनट्स बनाना सिखाए हैं, ये वही डो है जो बच गई थी। सेम प्रोसीजर है, बहुत आसान है। सिर्फ मैंने टॉपिंग तैयार की है, कोई दो या चार मिठाई पीस थे उनको छोटा छोटा काटा, और ये दो बोटियाँ आपको नजर आ रही हैं रंग बिरंगी सालन वाली, ये एक्चुअली रात मैंने कढ़ाई बनाई थी उसमें से बोटियाँ निकाल ली। मैंने इतना सिंपल पिज्ज़ा बनाया, मतलब कि जो आपके पास घर में चीज़ें अवेलेबल हैं आप उन्हीं से बना सकते हैं। इसमें मामा सीता सॉस है डाली मैंने, एक जो टेबल स्पून होता है वो, और इसमें एक टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस डाला था, और साथ थोड़ी सी मैंने व्हाइट पेपर डाली थी। अब सबसे पहले डो निकालेंगे, इसको जो है वो मैदा थोड़ा सा आप स्लैब पे डाल लें, और उसके बाद इसको आपने रोटी की तरह बेल लेना है। बहुत ज़्यादा खुशका मत लगाइएगा, बस इतना कि ये साथ ना चिपके। इसको बेल लें और एक नॉर्मल सी जो है वो एक जैसी बराबर रोटी टाइप बना लें, और उसके ऊपर आपने टॉपिंग स्टार्ट करनी है। अब ये सबसे पहले आपकी जो अवन की डिश है जिसमें आपने बेक करना है, उसको हल्का सा ग्रीस कर लें, मतलब एक टेबल स्पून ऑयल लेके अच्छी तरह से हाथ से या ब्रश से जो है वो अच्छी तरह से ग्लेज कर लें। और इसके ऊपर सबसे पहले मैंने डाली है जी टमाटो सॉस जो कि है किनौर की, चिली गार्लिक सॉस ये डाली, और इसके साथ ही टमाटो केचप डाल दी जो कि किनौर की ही है, और दोनों को मिक्स करके पेस्ट करके ये मैंने बना दी जी पिज्ज़ा सॉस। अब जी अपने पिज्जा का मेकअप शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले उस पर बेस लगा दी है, अब इस पर अनियन सेट किए, अनियन सेट करने के बाद कैप्सिकम सेट किए, उसके बाद थोड़े से मशरूम्स डाले। ये वही चीज़ें हैं जो मेरे पास घर में अवेलेबल थी, मैंने कुछ भी इसके लिए स्पेशली जो है फैंसी ऑर्डर नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर जो है वो चिकन की टॉपिंग की। चीज़ भी मेरे पास कोई खास घर में फैंसी नहीं थी, मेरे पास जस्ट चेडर चीज स्लाइसिस थे, मैंने इन्हीं के छोटे छोटे पीसेज में तोड़कर और वो अपने पिज्जा के ऊपर सेट कर दिए। ऊपर से आप इसके ऑरिगैनो जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, और प्री हीटेड जो अवन है उसमें इसको बेक करने के लिए फॉर 15 मिनट्स रख दें। एंड आफ्टर 15 मिनट्स यू कैन सी कि ये परफेक्ट राइस भी हो चुका है, रेडी भी हो चुका है। सो आपका होममेड हेल्दी पिज्जा इज रेडी। डू एंजॉय आउट विद योर किड्स, विद योर लव्ड वंस, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। आई विल कम अप विद द न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।